हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैच विद पवन राव में आज आप लोगों को जो लेसन पढ़ाने वाला हूँ, लेसन नंबर 37। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग आज आसान क्वेश्चंस करेंगे। एकदम कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बताया था। और तीन लेसन हमारे हो चुके हैं अभी तक क्वेश्चंस पर बेस्ड, आसान बेसिक क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले आज की क्लास में हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे, आसान क्वेश्चंस इजी। कल की क्लास में फिर हम लोग वापस टफ क्वेश्चंस, और अगली क्लास में फिर से हम लोग करेंगे वही एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस। ऐसा ही हम लोग करते हुए चलेंगे, जब तक क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि अब आपके समझ में आ गए होंगे तब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। इफ़ ए साइड ए बी ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इज डिवाइडेड इक्वली इन फोर पार्ट्स बाई पॉइंट्स एक्स वाई जेड एंड फाइंड। ये जो अपने पास एक आयत ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी एक्स वाई जेड बिंदु द्वारा चार बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो निम्न का आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये पॉइंट दिए हुए अपने पास ए बी सी और डी। ए बी को तीन पॉइंट एक्स वाई और जेड द्वारा चार बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया, तीन पॉइंट द्वारा फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई सी अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? एकदम आसान क्वेश्चन। मैंने कहा है कि मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को मैं बेसिक क्वेश्चन समझाता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर अपने पास ये जो पॉइंट है, यहाँ से ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। मैंने आप लोगों को बताया होगा, मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की होगी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक जो अपने पास रेक्टेंगल में एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। टोटल का एरिया अगर एक माने तो ये भी अपने पास 1/2, ये भी अपने पास 1/2। अब आगे ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल बन गया सी ए बी और ये अपने पास चार इक्वल पार्ट्स अगर हैं तो वाई मिड पॉइंट है और किस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। कैसा सिखाया था क्या? हाँ सिखाया था। तो 1/2 पहले हो चुका है, अब यहाँ से आधा आधा करोगे, 1/2 को आधा करोगे तो ये भी 1/4 होगा और ये भी कितना होगा? 1/4। अब हमें तो एक्स वाई सी का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो इस ट्रायंगल की बात करूं सी ए वाई की, एक्स मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों बराबर हैं, इस वर्टेक्स से वापस इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास मीडियन होगी और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, ऐसा आपको पता होगा। तो 1/2 पहले हो चुका है तो ये अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल फिर से आधा हो जाएगा, 1/4 पहले हो चुका था और 1/4 को आधा करोगे तो क्या 1/8 आ जाएगा क्या? तो एक्स वाई सी का क्षेत्रफल टोटल का अगर एक है तो एक्स वाई सी का क्षेत्रफल क्या 1/8 होगा क्या? तो आंसर अपना होगा 1/8। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं चाहो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग मान लीजिए ये इसकी लंबाई L है और ये अपने पास इसकी जो चौड़ाई है वो B है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा एक्स वाई सी का क्षेत्रफल इसको ऐसे लिख सकते हैं। मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग, ये जो ट्रायंगल बना अपने पास एक्स वाई सी, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक चार बराबर, ये अगर एल था और चार बराबर बराबर भाग हैं तो क्या एल बाई फोर होगा क्या? तो रेक्टेंगल का जो अपने पास नीचे वाला रेक्टेंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस तो एल बाई फोर है और हाइट अपने पास बी, हाइट तो यही होनी है इस ट्रायंगल एक्स वाई सी के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ट्रायंगल एक्स वाई सी के लिए जो अपने पास हाइट का काम करेगी, हाइट का काम तो ये बाहर बी होगा, एक्स वाई सी के लिए हाइट बी, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस, बेस तो एल बाई फोर है और हाइट बी है और इसका अपने पास एरिया होता है एल इंटू बी,
ये प्लट कर ऊपर जाएगा तो एल बाई बी से एल बाई बी कट जाएगा और आंसर 1/8 ऐसे भी आ गया। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये तरीका मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा और ये तरीका मैंने ज्योमेट्री में बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये तरीका मैं इसलिए ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि अपने पास ये यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम भी आ सकता है, समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है, ये आप लोग याद रखना। ये चार भागों में बांटा है, ऐसे तीन भागों में भी बांट सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के ये तरीके कई तरीके हो सकते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम भी दे सकता है, तो ये अपने पास चार अगर बराबर बराबर भाग हैं, चार बराबर बराबर भाग हैं, तो ये तरीका भी हो सकता है। इसका क्षेत्रफल अगर किसी ट्रायंगल में जो अपने पास बेस का रेशियो वही उनके एरिया का रेशियो होता है, तो एक दो तीन चार है, तो इसका क्षेत्रफल चार है, तो ये भी चार, तो टोटल आठ, और इसका क्षेत्रफल एक, तो भाग कितना हो गया 1/8, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये दो पॉइंट द्वारा तीन भागों में भी बांट सकता है और चार भागों में भी बांट सकता है, पाँच में बांट ले, छः में बांट ले, सात भाग कर दे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इधर वाले का, और ये अगर बीच में डायगोनल है तो सात और सात 14, तो अपने पास 1/14 ये आंसर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और जैसा आपको पता है कि आज की क्लास में मैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ, एकदम ईजी क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ जो आपकी थ्योरी थोड़ी सी क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड सी इज अ पॉइंट ऑन बी डी सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड सी डी इक्वल्स टू सी ए, फाइंड एंगल ए बी और सी। देखिए दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी डी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, और जैसा आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, जिससे आपको दिन में आसानी से क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग और शाम को इनका सॉल्यूशन देख लिया करो। नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग जाकर क्वेश्चंस देख सकते हो। बी डी बिंदु है, सी पी डी पर एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर सी एक ऐसा पॉइंट है कि इसने हम लोगों से कहा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी के, और ए सी बराबर सी डी बराबर सी, ये दोनों भी बराबर हैं, और ये एंगल हम लोगों को ए डी बी दिया हुआ है 20 डिग्री। ये अगर हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, जैसा आपको पता है, मैंने कहा है कि मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा आप लोगों को मैंने बताया, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने कोण भी बराबर, ये अगर 20 है तो इसके सामने वाला एंगल क्या ये भी अपने पास 20 होगा क्या, 20 और 20 40, तो जो एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 20 और 20, तो क्या ये एंगल 40 डिग्री हो गया क्या, इसके सामने 40 डिग्री है तो इसके सामने क्या ये वाला एंगल दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर, 40 40 80, तो क्या ये वाला एंगल जो है अपने पास 100 डिग्री बचा गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसने हम लोगों से पूछा है कि ए बी सी बताओ, तो अपना आंसर होगा 40 डिग्री, यही पूछा है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। 40 और 40, ये 20 दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों बराबर, तो ये भी 20, बाहर वाला 40, दोनों बराबर, ये 40 है, तो ये भी अपने पास 40 डिग्री होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, और आप लोगों को ये पता होगा कि आज की क्लास में मैं एकदम आसान आसान क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे आपकी बेसिक चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस मॉर्निंग में कर लेते हो, अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हो, कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेते हो जितने मिले, तो भी आप लोग वीडियोस को देखा करो, उससे बहुत सारे आपको नए तरीके और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दूं और आपने बैठकर कर लिए, तो भी आप लोग एक बार इसको रिवाइज किया करो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें इससे आप लोगों को याद भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस बी डी, इफ ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी फाइंड बी डी। बी डी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये कहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस बी सी। इसका मतलब ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस बी सी। अगर बी सी हाइपोटेनस है, इसका मतलब ए पर ये राइट एंगल है। बी सी अगर कर्ण है, ए डी बी सी
ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है कर्ण बी सी पर, अगर बी सी हाइपोटेनस है, कर्ण अगर है, इसका मतलब ए 90 डिग्री होगा, और इसने कहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी। अगर अपने पास ए बी की वैल्यू में एक मान लूँ, मान लीजिए ये एक मान लूँ, तो ये कितना होगा दो, एक मानते दो, दो का स्क्वायर चार प्लस एक का स्क्वायर एक, पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा रूट फाइव। हमें बी डी की लेंथ पूछी है, बी डी की लंबाई पूछी है, आप लोग ध्यान रखना, और मैं कई बार क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ, थ्योरी पढ़ाई थी तब भी मैंने बता दी थी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए तो उससे रिलेटेड अपने पास चार फॉर्मूले हैं और उन पर एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और थ्योरी में भी मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, और ये जब मैं आपको कम से कम 20 बार बता दूंगा तो कभी ना कभी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार सर ने बहुत बार बता दिया, अब याद कर लेना चाहिए। यहाँ से अपने पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए ए डी, तो ध्यान रखना इससे रिलेटेड चार फॉर्मूले हैं, ए डी स्क्वायर बराबर एक तो बी डी इंटू सी डी, एक अपने पास ए डी बराबर इन दोनों का इंटू करते हैं ए बी इंटू बी ए सी अपॉन बी सी, एक अपने पास बी डी की लेंथ अगर कभी निकालनी पड़े, बी डी की लेंथ अगर कभी निकालनी पड़े तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी, एक कभी अगर सी डी की लेंथ आप लोगों को निकालनी पड़े तो सी डी की लेंथ निकालने के लिए ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी, क्या ऐसा बताया है क्या? और ये चार इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इसकी लेंथ पूछिए तो इसका स्क्वायर करेंगे और कर्ण का भाग देंगे, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो एक का स्क्वायर एक और कर्ण रूट पाँच का भाग दे देंगे, वन अपॉन रूट फाइव, ये अपना आंसर है। अपना आंसर तो आ गया, लेकिन चारों ऑप्शन देखिए, जहां आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां चार ऑप्शन अगर देखोगे तो चारों जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे किसके फॉर्म में, बीडी के फॉर्म में मिलेंगे, चारों ऑप्शंस आप लोगों को बीसी के फॉर्म में मिलेंगे, तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यह आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने पास पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बीसी बाई फोर, किस ऑप्शन को सोल्व करने पर यह आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो BC का मान क्या रख सकते हो आप लोग, BC का मान रख सकते हो रूट फाइव अपॉन फोर, क्या सोल्व करने पर वन अपॉन रूट फाइव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं BC अपॉन कितना दिया हुआ है BC के फॉर्म में, BC अपॉन फाइव, तो रूट फाइव अपॉन ये फाइव, BC की वैल्यू रूट फाइव रख दी हम लोगों ने यहाँ से, अपॉन फाइव सोल्व करने पर वन अपॉन रूट फाइव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो अपना आंसर है ये एकदम ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपके सामने आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर, आपके लिए बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है, इफ साइड ए बी एंड डी सी मीट एट पॉइंट पी ऑन एक्सटेंशन सिमिलरिटी ए डी एंड बी सी मीट एट पॉइंट क्यू, इफ ए डी सी इक्वल्स टू 85 बी सी इक्वल्स टू 40 फाइंड सी क्यू डी। आप लोग भी क्वेश्चन देखो, एक रूल होता है मैथ्स का, मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को आप लोग दो बार पढ़ा करो, एक बार जब ज्योमेट्री की अगर शुरुआत कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग दो बार पढ़ा करो, उससे पहले चाहे वीडियो आप लोग पॉज कर लिया करो, उसको दो बार पढ़ा करो ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन है क्या। जब तक यही पता नहीं रहेगा कि क्या क्वेश्चन है तब तक क्या समझ पाओगे आप लोग। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, ए बी सी डी इज अ राइट सर्कुलर, अपने पास ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी व डी सी को बढ़ाने पर पी पर मिलता है, ए बी व डी सी को बढ़ाने पर ए बी व डी सी को बढ़ाने पर पी पर मिलता है, ए बी व डी सी को बढ़ाने पर पी पर मिलता है, और इसने कहा है कि ए डी व बी सी को बढ़ाने पर क्यू पर मिलते हैं, ये नीचे जाएगा थोड़ा सा, इसको बढ़ाने पर ये क्यू पर मिलते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें कहा है कि ए डी सी इक्वल्स टू 85 डिग्री, हमें एक एंगल दिया हुआ है ए डी सी इक्वल्स टू 85, ये वाला एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 85, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी डी इन दोनों को बढ़ाने पर पी पर और इन दोनों को बढ़ाने पर क्यू पर, और एक एंगल दिया हुआ है बी सी बी पी सी इक्वल्स टू 40, ये वाला एंगल दिया हुआ है हम लोगों को 40 डिग्री, ये 85 दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 40 डिग्री, और हम लोगों को पूछा है कि ये वाला एंगल बता दीजिए कितने डिग्री होगा।
तो ये वाला ऑप्शन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान आयवा क्वेश्चन हो सकता है, ये आयवा क्वेश्चन और आयवे क्वेश्चंस भी जो आसान होंगे उसको मैं इसी सीरीज में ले लूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आयवे होंगे वो जो भी आसान होंगे उसको मैं इसी में ले लूँगा आपके बेसिक चीज़ें क्लियर करवाने के लिए। तो मुझे बताइए, एक ट्राइंगल है ए डी पी जिसके दो एंगल अगर आप लोगों को दिए हुए हैं तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 85 और इसको ऐड करोगे तो 125, ये 125 हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो क्या 55 डिग्री बच गया है क्या? और साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 85 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180, ये 85 है तो क्या ये वाला एंगल 95 ही होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर 95 होगा। त्रिभुज ए बी और क्यू की अगर बात करें जिसके एक एंगल 55 डिग्री है और एक एंगल 95 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसको ऐड करोगे 150 डिग्री, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल अपने पास 30 डिग्री बच गया क्या? ये अपना आंसर है, ऑप्शन आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी और डी सी को एक्सटेंड किया गया जो पी पर मिलते हैं, इनको एक्सटेंड करके क्यू पर मिलते हैं, ये दोनों हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाला पहले, 85 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं, ये और ये दो एंगल अगर हैं तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, याद है क्या? क्यों होता है बताओ? पहली क्लास में फर्स्ट लेसन में मैंने समझाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, कैसे प्रूव करोगे, ये चीज़ मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताई थी और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। आसान क्वेश्चन हम लोग, जैसे आपको पता है आसान क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी में ए से बीसी पर एक लंब एडी डाला गया, यदि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, अपने पास यहाँ से इस प्रकार से कहा गया है कि कोई सा भी, अभी ये नहीं कहा कि कौन सा ट्रायंगल है, ए से बी सी पर लंब ए डी डाला गया, लेकिन एक चीज़ एसएससी में क्वेश्चन हमेशा उल्टा आता है, हमेशा तो नहीं लेकिन 50% क्वेश्चन उल्टा देता है। राइट एंगल इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी अपने पास लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग ये चार फॉर्मूले मैंने बताए थे और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताओ ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी कौन से ट्राइंगल में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एंगल ए, यहाँ पर इसके चार फॉर्मूले, पहला ए डी बराबर अपने पास ए सी इंटू ए बी अपॉन बी सी, दूसरा फॉर्मूला ए डी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है बी डी इंटू सी डी, तीसरा फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये निकालना तो इसका स्क्वायर अपॉन कर्ण, ये निकालना तो इसका स्क्वायर अपॉन कर्ण, ऐसे चार फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो ये फॉर्मूला अगर पहले से लिख दे, पूछ ले कि ए एंगल कितने डिग्री है, तो ये फॉर्मूला किस में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, बाकी अगर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को लगता है सर बेसिक से कैसे करें, तो अपने पास ए डी अपॉन बी डी बराबर अपने पास सी डी अपॉन ए डी, यहाँ से दोनों के दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो ये, क्योंकि एक तो कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं समान अनुपात में, तो सिमिलर होने पर तीनों कोण बराबर, ये थीटा है तो ये थीटा 90 90, तो इसका तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा और इसका तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो पूरा कोण 90 ऐसे आ जाएगा। याद है डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सिमिलरिटी से समरूपता से आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा कि क्योंकि समझाने में जब टफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है टफ वाले पोर्शन में, इसलिए हम लोग एक बार टाइम 15 क्वेश्चन की जगह एक बार 10 क्वेश्चन करके देख रहे हैं, फिर अगर हमें लगा कि चेंज करना चाहिए तो वापस चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, मैं भी साथ साथ पढ़ देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी मीट्स कट सर्कमफ्रेंस सर्कम सर्किल एट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, इफ ए इक्वल्स टू 50 सी जेड वाई इक्वल्स टू 30 देन फाइंड बी वाई जेड। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लो, हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एक ट्राइंगल अपने पास ए, दूसरा बी है और ये अपने पास सी है, इसके एंगल बाइसेक्टर सर्कम सर्किल को, इसका एंगल बाइसेक्टर, आसान क्वेश्चन,
और आसानी करवा रहा हूँ मैं, ये एक्स है, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये अपने पास वाई है, और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये अपने पास जेड है, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को दिया हुआ है 50 डिग्री, सी जेड वाई ये वाला एंगल दिया हुआ हम लोगों को 30 डिग्री, तो आगे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इन सेंटर जहाँ पर मिलते हैं उसको एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसको इन सेंटर, और इन सेंटर पर बना एंगल आपको याद होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 50 का आधा 25, 90 में 25 ऐड करोगे तो 115 डिग्री, ये 115 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सिरसा विमुख कोण बराबर होते हैं, ये 115 डिग्री तो ये भी 115 डिग्री, ये 115 ये 30, क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ऐड करोगे 145 तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 35 डिग्री आ गया क्या, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और क्यों होता है ऐसा मैं थ्योरी में आप लोगों को समझा चुका हूँ। 50 है, 90 प्लस हाफ ऑफ है, 90 में 25 ऐड करोगे 115, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी 115, ये 30, तीसरा एंगल हम लोगों ने निकाल लिया। क्लास में जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ तो बाहर से सर्किल खींच लिया, तो कुछ लोग ये पूछते हैं मुझसे कि सर ये 50 है तब तो ये 100 होना चाहिए क्योंकि बाहर से सर्किल है। ध्यान रखना सर्किल तब होगा जब ये अपने पास सर्कम सेंटर हो, वहाँ पर बना एंगल सर्कम सेंटर, यहाँ पर बना एंगल 100 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना अगर जहाँ पर भी आप बैठे हो और कन्फ्यूज अगर हो तो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बाहर से सर्किल तो एल्टीट्यूड भी मिलेंगे, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड, बाहर से सर्किल खींच दिया जाए तो आगे बढ़ाने पर तो एंगल एल्टीट्यूड भी मिलेंगे, लेकिन इसको फिर सर्कम सेंटर नहीं, ये तो ऑर्थो सेंटर ही होगा, ये ध्यान रखना। तो ये सर्कम सेंटर नहीं है, इसका डबल नहीं होगा, ये अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से ये 30 डिग्री तो ये अपने पास 30 डिग्री, ये 25 डिग्री तो ये भी अपने पास 25 डिग्री, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं दूसरा तरीका नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद करके देख लेना सर्किल वाली प्रॉपर्टी से ऐसे, ठीक है ना, करना कोशिश करना, हो जाएगा आपसे, नहीं हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, यदि बी ए सी बराबर 85, बी सी ए इक्वल्स टू 80, ओ ए सी क्या होगा। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को साथ साथ, इंग्लिश मीडियम वाले भी, ओ इज द सर्कम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ओ इसका सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर आप लोगों को याद होगा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, एंगल ए दिया हुआ है 85, ये 85 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है 80 डिग्री, तो 80 और 85 कंप्लीट एंगल 85, ये 80 ये 85, तो क्या तीसरा एंगल 15 डिग्री बचा क्या, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग ओ ए सी ये वाला एंगल बता दीजिए कितने डिग्री होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये अगर 15 डिग्री है तो मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 30 डिग्री होगा क्या, ऑर्थो सेंटर पर सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, ये 30 है और ये दोनों बराबर है, ये 30 है ये 15 है ये 30 हो गया, 30 होने पर ये दोनों अगर बराबर है अगर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो 30 अगर है तो अपने पास 150 बचा, 150 बचा तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, तो आंसर आ गया। ध्यान रखना आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये कोण 80 डिग्री है तो ये कितना होगा 160, सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी क्यों होता है मैं बता चुका हूँ, ये 160 अगर है तो आप लोग यहाँ पर टोटल 180 होता है और ये दोनों बराबर बराबर हैं, 160 है तो ये भी 10 डिग्री बचा और ये भी 10 डिग्री, टोटल 85 था, इधर वाला 10 तो इधर वाला 75, ऐसे भी सोच सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 हैं तो तीसरी साइड कितनी होगी, ए का मान कितना होगा, तीसरी साइड अगर ए है, एक साइड 4 है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक साइड 4 है एक साइड 10 है और तीसरी साइड अगर ए है, अगर आप लोगों को याद हो पहली क्लास में समझाया था दो साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी से छोटा, क्या याद है क्या,
एसएससी में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन इतने आसान भी पूछ लेता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान है, इसलिए मैंने आए हुए क्वेश्चन में नहीं लेकर इसको मैंने जो अपने बेसिक क्वेश्चन हैं उस पर ले लिया है ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। तो 8 नंबर आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने लिख दिया है बोर्ड पर, आप लोग पढ़िए। इन ट्राइंगल ए बी सी AD इज द मीडियन एंड AD बराबर हाफ ऑफ BC। इफ BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री देन फाइंड एंगल्स ACB। इस प्रकार से है, एक ट्राइंगल है ABC और इसने कहा AD बराबर हाफ ऑफ BC, इसकी मीडियन AD क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, AD बराबर हाफ ऑफ BC। डी क्या हमेशा मीडियन क्या मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो ये भी बी सी बाई टू, ये भी बी सी बाई टू और ये भी अपने पास आ गया बी सी बाई टू, ये और ये तीनों बराबर हैं, बी सी बाई टू और बी सी बाई टू ये तीनों बराबर हैं। बी ए डी अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, 30 और 30 60, तो क्या एक्सटीरियर एंगल जो होना है वो क्या 60 डिग्री हो गया क्या? भाई ये कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये हो गया 60 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर अपने पास 60 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं तो बचा 120, 120 बचा तो दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये भी बराबर होना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 120 होता है तीनों कोणों का योग, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये अगर 60 है तो अपने पास 120 बचा, 120 अगर बचा तो फिर ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा और ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यही हम लोगों से पूछा है तो आंसर आ गया 60। इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका या आसान तरीका क्या हो सकता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने थ्योरी में बताया था और बार बार बताया था और मैंने ये भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, जब मीडियन समझाया था उस टाइम बताया था, ये और ये दोनों बराबर हैं तो इधर अगर कोई लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है तो यहाँ पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, याद कर सकते हो, इधर लाइन खींची जाए जो बराबर है तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री, तो ये और ये बराबर हैं तो ये कोण होगा अपने पास 90 डिग्री, ये 30 है तो ये 60 और ये दोनों बराबर हैं, ये 60 तो ये भी 60, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और उसको समझते हैं। जी ट्रायंगल एबीसी पढ़ लीजिए आप लोग, का सर्कम सेंट्रोइड है, केंद्रक है, सेंटर जी इज द सेंटर, सेंटर सेंट्रोइड है ये और ए बी सी केंद्रक अगर है, ए जी बराबर बी सी तो बी जी सी कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जी इसका ग्रेविटी सेंटर है, जी इज द ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड और इसने कहा है हम लोगों को ए जी बराबर बी सी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ए जी बराबर है किसके, बी सी के, तो मुझे बताओ ये अगर दो है तो क्या ये एक होगा क्या, गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है क्या, याद है क्या, तो ये दो है तो ये एक होगा और ए जी बराबर बी सी ये दो है तो ये भी दो होगा, तो अपने पास ये मिड पॉइंट है, मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी एक और ये भी एक, ये अगर 6 मानते हो तो ये 3 होगा और टोटल ए जी अगर 6 है तो बी सी भी 6 होगा, ये भी 3 तो ये तीनों बराबर हो गए और हमें बी जी सी पूछा है, ध्यान रखना ये तीनों अगर बराबर हैं तो बी जी सी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, अभी भी आप लोगों को 2 सेकंड पहले बताया क्यों होगा, तीनों अगर बराबर हैं तो ये 90 डिग्री क्यों होगा, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगे कि क्यों होगा तो ध्यान रखना, ये अगर अपने पास x है दोनों बराबर तो ये भी x होगा, ये इसके सामने ये वाला एंगल अगर y है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी y होगा और ट्रायंगल बी जी सी में x, ये एंगल x प्लस वाई, ये एंगल y, x x प्लस वाई और y, तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री होना चाहिए, तो दो बार x आ गया और दो बार y आ गया, बराबर 180 डिग्री अगर है तो बताओ x प्लस y जो है वो क्या 90 डिग्री आ गया क्या, ये हमें प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, जैसे इस प्रकार से वो कहेगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसको आगे बढ़ाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको इतना आगे बढ़ाया कि ये भी बराबर है डी तक, तो ये एंगल बताओ, तो तीनों बराबर होते ही ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना।
तो ये हम लोगों ने एकदम आसान, जिन स्टूडेंट्स का बेसिक थोड़ा सा वीक होता है, बेसिक थोड़ा नहीं समझ पाते, बेसिक पढ़ने के बाद ये बेसिक क्वेश्चंस मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट क्लियर हो। इसमें सारी की सारी चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, तो ये थ्योरी पढ़ो, बेसिक क्वेश्चंस देखो, वापस थ्योरी पढ़ो, इससे थ्योरी हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में, कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। 6 से 7 का टाइम हमेशा फ्री रखा करो आप लोग मेरे लिए, है ना, 6 से 7 आता हूँ मैं, ये आपको पता लग गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।